उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को देना ही देना है, लोग बच नहीं सकते। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको लोग अवॉइड नहीं कर सकते। अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स देने के लिए या इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करने के लिए आपको पता होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कलेक्ट करना होता है, जिसको चार्ज करना होता है, वो टैक्स, उसका टैक्स रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। टैक्स रजिस्ट्रेशन के रूल हम पढ़ेंगे। तो टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो टैक्स रजिस्टर्ड होता है, जो एसएमआरसी के पास टैक्स रजिस्टर्ड होता है वैट पर्पस के लिए। एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस जो होता है ना, वो वैट चार्ज नहीं कर सकता। सही है, टैक्स रजिस्टर्ड होता है और उसके पास टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। टैक्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। सही है, और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है एज अ सोल ट्रेडर, और वो कॉरपोरेशन भी हो सकता है। इसका मतलब वैट सोल ट्रेडर भी चार्ज करता है, पार्टनरशिप भी चार्ज कर सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको टैक्स रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? तुम लोगों ने F3 के सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि तीन तरह की सप्लाई होती है। तो टैक्सेबल सप्लाई होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर वैट चार्ज किया जाता है, जो कि एग्जेम्प्ट ना हो या आउटसाइड द स्कोप ऑफ वैट ना हो। तो हमारे केस में जो टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे केस में टैक्सेबल सप्लाई की तीन टाइप्स हैं। एक तो टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिसको हम कहते हैं जीरो रेटेड। सही है, एक टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेटेड। तो टैक्सेबल सप्लाई में हमारे पास जीरो रेटेड, हालांकि जीरो रेटेड पे वैट चार्ज नहीं करते, लेकिन जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाता है। इसके अलावा रिड्यूस रेट, जिसपे नॉर्मल से कम चार्ज किया जाता है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड रेटेड, ये टैक्सेबल सप्लाई में आता है। इस साल के लिए जो VAT का रेट है वो आपको टैक्स शीट में दिया हुआ है, एंड दैट इज 20%। हेलो, हाँ जी। तो टैक्सेबल सप्लाई हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास या तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होंगी जिसके ऊपर कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता, वरना टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में जीरो रेटेड और इस तरह की सप्लाई हमारे पास आती है जिसके ऊपर VAT लगेगा। अच्छा, इसका ताल्लुक ये है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेल यू के एक सेलर है, वो आपको स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स बेच रहा है, या एक सेलर है वो फाइनली जीरो रेटेड गुड्स बेच रहा है, ये दोनों कंबाइन करके बेच रहा है। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होती हैं उसके ऊपर आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जीरो रेटेड के ऊपर तो आउटपुट टैक्स जीरो होगा, और जो सेलर ने खुद परचेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स दिया होगा, जो टैक्स दिया होगा उससे हम इनपुट VAT कहते हैं। तो अगर सेलर जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स बेच रहा होगा तो वो इनपुट क्लेम कर सकता है। और अगर सेलर जो है वो एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा होगा तो एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर क्या होगा, नो आउटपुट, आउटपुट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो परचेजेस के ऊपर उसने टैक्स किया होगा वो टैक्स वो क्लेम नहीं कर सकता, नो इनपुट क्लेम। ये एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज के ऊपर। सो अगर हम बात करें इनपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स क्या होता है, तो इनपुट टैक्स जो होता है वैट के अंदर ज्यादातर थ्योरी है, ठीक है, मेजॉरिटी थ्योरी, कुछ हल्की बुल्की कैलकुलेशन है, मेजॉरिटी थ्योरी है।
तो वैट पे किया जाता है, इनपुट टैक्स पे किया जाता है परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और इनपुट टैक्स इज रिक्लेमेबल फ्रॉम HMRC प्रोवाइडेड दैट आप कंडीशंस मीट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, एज फार एज आउटपुट टैक्स इज कंसर्न, जो आउटपुट टैक्स होता है वो सेल्स पे दिया जाता है, सो रजिस्टर्ड बिजनेस जो होगा वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। और आउटपुट टैक्स इज पेबल टू HMRC। अच्छा, क्या होता है, या तो मंथली बेसिस के ऊपर या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, दो तरीके हैं पेमेंट के, या तो मंथली बेसिस के ऊपर या फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इनपुट और आउटपुट को नेट ऑफ किया जाता है। एज ए रिजल्ट देयर माइट बी नेट पेबल, या तो आपको टैक्स अथॉरिटी को पे करना पड़ेगा या टैक्स अथॉरिटी से आप नेट रिसीवेबल लेंगे। ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नेट वैट पेबल या नेट वैट रिसीवेबल। अच्छा, वैट जो है वो अल्टीमेटली क्योंकि फाइनल कंज्यूमर पे करता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, वो अल्टीमेटली जो भी साइकिल के अंदर आएगा वो अपना वैट जो है वो रिकवर कर सकता है, टैक्स अथॉरिटी से वापस मांग सकता है। ये तो इसकी बेसिक बात है जो हमने डिस्कस की। अब आ जाते हैं आपकी एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड के अंदर क्या क्या चीजें फॉल होती हैं। सो एग्जेम्प्ट सप्लाइज, अच्छा इसकी कोई लंबी लिस्ट नहीं है, ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे यूके के अंदर लैंड, ट्रांसफर ऑफ लैंड, सो ट्रांसफर ऑफ लैंड अगर की जाए तो उसके ऊपर वैट को एग्जेम्प्ट कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर बिल्डिंग ट्रांसफर की जाए तो बिल्डिंग की ट्रांसफर एग्जेम्प्ट सप्लाइज में नहीं आती। इसी तरीके से इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एग्जाम सप्लाईज में आता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन वगैरह, हायर परचेज एग्रीमेंट, बैंकिंग सर्विसेज, इसी तरीके से स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन, इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर, ये वेल्थ वैट के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट में आता है। इसी तरह स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाइज के अंदर काउंट होते हैं। व्हाइल जीरो रेटेड की अगर हम बात करें, सो जीरो रेटेड के अंदर आपके पास आ जाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन फूड, मोस्टली न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल, ये आ जाते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ जाता है, चैरिटीज आ जाती हैं, क्लॉथ्स आ जाते हैं, फुटवेयर आ जाता है, ड्रग्स आ जाते हैं, मेडिकल वगैरह की जो ड्रग्स मेडिसिन वगैरह होती है, ये कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर फॉल होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरेटिकल, वो है VAT की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस।
और ये एग्जाम में पूछा जाता है VAT की रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक बात याद रखी जाए कि एक होती है कंपल्सरी VAT रजिस्ट्रेशन कि आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, और एक होती है वॉलंटरली कि आप खुद से रजिस्टर्ड करवा लें। आप पता होना चाहिए कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड फॉलो किया जाता है, अगर वो थ्रेशोल्ड मीट हो जाए तो बिजनेस को कंपल्सरी वैट के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इसके दो टेस्ट हैं थ्रेशोल्ड चेक करने के, एक है हिस्टोरिकल टेस्ट और एक है फ्यूचर टेस्ट। हिस्टोरिकल टेस्ट एंड फ्यूचर टेस्ट। सो व्हाट इज हिस्टोरिकल टेस्ट, लेट्स डिस्कस व्हाट इज हिस्टोरिकल टेस्ट। देखिए हिस्टोरिकल टेस्ट ये है कि हर महीने के एंड के ऊपर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड के ऊपर आप अपनी टोटल टैक्सेबल सप्लाइज यानी कि स्टैंडर्ड रेटेड और जीरो रेटेड, सही है, फॉर द लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने की, सही है। और अगर बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो सिंस कमेंसमेंट, जैसे 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, हर महीने के एंड के ऊपर खड़े हो जाएं, सही है, और पिछले 12 महीने की टोटल क्यूमुलेटिव टैक्सेबल सप्लाइज को टोटल कर लें। अगर टोटल टैक्सेबल सप्लाइज आपकी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है फॉर द लास्ट 12 मंथ्स और अर्लियर, एक्सीड कर जाती है थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड एग्जाम में गिवन होगा, इस साल के लिए थ्रेशोल्ड क्या है 85,000, देन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको कंपल्सरी अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ जाएगा टैक्स अथॉरिटी के साथ। दोबारा सुन लें, हर महीने के एंड पर आप पिछले 12 महीने की सेल्स को चेक करें, अगर थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ तो आप रजिस्टर्ड ना हो, और अगर थ्रेशोल्ड मीट हो गया तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी ना उसके बारे में देख लेते हैं, कब से रजिस्टर्ड होंगे और कब से वीएटी चार्ज करना शुरू करेंगे कस्टमर से। तो सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन पीरियड जाएगा, नोटिफिकेशन, जिस महीने के एंड के ऊपर आपका थ्रेशोल्ड मीट हुआ, सही है, उसके विद इन 30 डेज, ये नोटिफिकेशन टाइम पीरियड है। मसलन 31 मार्च को आपका थ्रेशोल्ड मीट हो गया, 31 मार्च 2020 को आपकी सेल्स ने 85,000 का थ्रेशोल्ड मीट कर लिया, तो आपका जो नोटिफिकेशन पीरियड है वो नोटिफिकेशन पीरियड कब तक का है, इस पीरियड तक आपको HMRC को नोटिफाई करना है वरना पेनल्टी के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। 30th अप्रैल 2020, ये फाइनल आपकी डेट है 30th अप्रैल। ठीक है जी, अच्छा, जहां ये पीरियड खत्म होगा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट कब से होगी, रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट हो जाएगी 1 May 2020, ये आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट होगी। फॉर एग्जाम्पल,
एक बिजनेस स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2018 को, ये बिजनेस की कमेंसमेंट डेट है। और बिजनेस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2018 और 2019 इसको शुरू कर लेते हैं अक्टूबर से, अक्टूबर बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं बैक टू बैक रखने के लिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 महीने हो गए। अच्छा, आपकी सेल्स चेक की जा रही है, ये टैक्सेबल सप्लाई में लिख रहा हूं 3500 3600 3700 3800 3840, प्लस करते जाएं इसको 12 महीने शुरू से 3910 3980, जनवरी टू दिसंबर प्लस कर लें 3980 4050 4120 4490 4550 and 4630, ये 12 महीने आपके हो गए। इन सबको टोटल करें 12 महीने को, क्या आंसर बनता है चेक करें। दिसंबर के महीने पे खड़े होकर 85,000 का थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है, नहीं मीट हो रहा। लास्ट वाला फिगर को दिखा दे, लास्ट है 4630। नहीं मीट हो रहा, सही है। अब एक काम करते जाओ, इस टोटल को अपने पास होल्ड करो और जो मैं नया अमाउंट लिखता हूं ना उसको ऐड करना और पिछला महीना डिलीट कर देना। 5090 को ऐड करो और पिछला डिलीट करो, चेक करो। एक ऐड करते जाओ दूसरा डिलीट करते जाओ, जहां टारगेट मीट हो मुझे बता देना। चेक करते जाओ, दिसंबर 18 के बाद एक महीना ऐड करो, पिछला एक महीना डिलीट करो, यानी कि जनवरी 19 ऐड होगा तो जनवरी 18 हटा देना, 12 महीने पूरे हो जाएंगे। नवंबर के ऊपर मीट होना चाहिए। नवंबर का मतलब ये हुआ दिसंबर से लेकर नवंबर,
कि टोटल सेल्स का टोटल 85,000 को क्रॉस करेगा, कितना अमाउंट तो बताओ। 85060 थ्रेशोल्ड कितना था? 85,000। इसका मतलब है इसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का पीरियड एंड कब हो रहा है? 30th November 2019। इस पीरियड में थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है। अब आपसे पूछेगा डेट बताएं, तो नोटिफिकेशन पीरियड अगर पूछता है तो नोटिफिकेशन पीरियड क्या होगा? 31st December 2019। और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी? 1st January 2020 से। अब ये जो भी सेल्स करेगा उस सेल्स के ऊपर ये VAT चार्ज करना शुरू कर देगा। क्लियर है? ये तो हो गया हिस्टोरिकल टेस्ट। दो टेस्ट पे बात की थी मैंने, एक हिस्टोरिकल टेस्ट और एक फ्यूचर टेस्ट। ये हिस्टोरिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस हिस्टोरिकल टेस्ट में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वो जो मैंने पॉइंट बताया था हिस्टोरिकल टेस्ट का कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है या बिजनेस जो है वो 12 महीने पहले से चल रहा था, अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल ये रखना है कि अगर आपके 12 महीने का टारगेट मीट हो गया और फिर भी आप रजिस्टर्ड ना हो कंपलसरी, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है? इफ टारगेट मीट होते वक्त आपको ये पता है कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ, अगले 12 महीने की जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है वो लेस देन डी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएंगे। व्हाट इज डी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड? ये भी एग्जाम में गिवन है, 83,000। अगर आपकी 12 महीने का हिस्टोरिकल टेस्ट मीट हो गया लेकिन अगले 12 महीने में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 83,000 को क्रॉस नहीं कर रही, लेस देन 83,000 है, तो इसका मतलब है नो नीड टू रजिस्टर। अच्छा, ये फ्यूचर टेस्ट नहीं है, इसको स्टूडेंट समझ लेते हैं। ये सर ने फ्यूचर टेस्ट बता दिया, ये फ्यूचर टेस्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल टेस्ट का एक पार्ट है। हिस्टोरिकल टेस्ट मीट होने के बाद आप इसको फॉरवर्ड जाके चेक कर लें कि 12 महीने में आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है। तो ये हिस्टोरिकल टेस्ट है। अब ये हिस्टोरिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं फ्यूचर टेस्ट की तरफ कि अगर आपका हिस्टोरिकल टेस्ट मीट नहीं हुआ तो फ्यूचर टेस्ट के जरिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और वो फ्यूचर टेस्ट क्या है और ये कब करेंगे? तो ये किसी भी महीने के अंदर हो सकता है, सही है। तो टैक्सेबल सप्लाई, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई इन द नेक्स्ट 30 डेज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, ये कहलाता है फ्यूचर टेस्ट, देन यू हैव टू रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन मसलन अगर फॉर एग्जाम्पल आज है 1st January 2019, तो आप देखेंगे 31st January 2019, इसमें अगर आपके पास ये 30 दिन के अंदर 85,000 का थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 30 दिन के बाद से शुरू नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो बिगनिंग से स्टार्ट होगी, बिगनिंग ऑफ द 30 डे पीरियड, यानी के
आपकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी। नोटिफिकेशन पीरियड वही 30 दिन का रहेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन हिस्टोरिकल टेस्ट में 30 दिन के बाद होती है और यहां पर पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? क्या रजिस्ट्रेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सप्लाईज बना के बेचते हैं। तो वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो इसलिए आया है कि रजिस्ट्रेशन सीम्स टू बी यूजफुल, बट सम टाइम रजिस्ट्रेशन खराब भी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि एक सेलर है मिस्टर ए, वो एक चीज बेचता है 100 रुपीज की, और दूसरा है बी, वो बेचता है 100+ VAT। तो किसकी प्रोडक्ट महंगी होगी? बी की प्रोडक्ट महंगी होगी ऑब्वियसली, तो लोग ए से ज्यादा खरीदेंगे। तो जब लोग ए से ज्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका 85,000 का थ्रेशोल्ड अल्टीमेटली मीट हो जाएगा, बचेगा तो कोई भी नहीं। लेकिन अब अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना उसको इनकरेज किया जाता है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड होंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा और आप टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे और वैट चार्ज करना शुरू कर देंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो आपकी इनवॉइस पे लिखा हुआ होगा, सही है। आपको एक रिटर्न फाइल करने का दिया जाएगा, ठीक है। तो जब आप टैक्सेबल पर्सन बन गए तो उस टैक्सेबल पर्सन के चार्जेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप एक टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे, आप आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे ऑन सेल्स, सही है। आप इनपुट टैक्स का क्लेम ले सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, सही है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप अपनी इनवॉइस इशू करेंगे, उसकी आगे जाके हम डिटेल पढ़ेंगे। और आपको एक टैक्स पॉइंट बताया जाएगा, वो भी हम आगे जाके डिस्कस कर सकें। और आपका एक रिटर्न फाइलिंग का पीरियड होगा, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे किस तरह से हो। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और रिटर्न फाइल करने में दौरान अगर आपने लेट किया तो लेट पे पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह, वो आगे जाके डिस्कस किया जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसका फायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या है? 10 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में वैट का, सेक्शन बी में आता है यूजुअली, लेकिन सेक्शन सी में भी आ सकता है, लेकिन लाइकली चांसेस है बी में आएगा। 5 MTQs होंगे, थ्योरी प्लस कैलकुलेशन। अच्छा जी, तो अगर हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके ट्रेडर को क्या फायदे होंगे? ये आपसे थ्योरी में पूछ सकता है, MTQs में पूछ सकता है, सही है। You can avoid penalties for late registration. क्योंकि आप अपनी मर्जी से रजिस्टर्ड हुए हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की लेट पेनल्टी वाला कॉन्सिक्वेंस बेयर नहीं करने पड़ेंगे। आप अपना इनपुट टैक्स जल्दी क्लेम कर सकते हैं। वरना जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे इनपुट टैक्स का क्लेम नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर हम इसके डिसएडवांटेज पर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, रिटर्न फाइल करो, जमा करवाओ, इनवॉइसेस मेंटेन करके रखो, रिकॉर्ड जमा करवाओ, जब तक नहीं हो रहा
कंपल्सरी आपको ये टेंशन पालने की जरूरत नहीं है. गुड्स जो होंगे आपके बिकम्स एक्सपेंसिव, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपके गुड्स सस्ते होंगे, लोग इनकरेज करेंगे. जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए, सही है, तो आपके गुड्स महंगे हो जाएंगे. तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन किसको करवानी चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल है? उसके लिए बेनिफिशियल है जो जीरो रेटेड गुड्स बेच रहा हो. या फिर वैट रजिस्टर्ड बिजनेस को बेच रहा हूं, यानी कि हम बिजनेस हैं और हम एक वैट रजिस्टर्ड बिजनेस को बेच रहे हैं, नॉट द फाइनल कंज्यूमर. इसका क्या फर्क पड़ेगा? जब हम किसी वैट रजिस्टर्ड बिजनेस को बेच रहे होते ना, तो अगर आप प्राइस बढ़ाकर भी बेचेंगे ना, तो वो कहता है मैं तो फाइनल कंज्यूमर से रिकवर कर लूंगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब आप एक कस्टमर को बेचेंगे, फाइनल कंज्यूमर को, जनरल पब्लिक को, तो उसको उसका बर्डन ज्यादा फील होगा और वो अल्टीमेटली आपको कहेगा कि जी आपकी गुड्स महंगे हो जाएंगे. तो आप फिर, आपके लिए वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अच्छी चीज नहीं है. ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं. अब तक सारी थ्योरी चल रही है. ऑलमोस्ट पहला जो इसका चैप्टर है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालने का तरीका, वो कैलकुलेशन आएगी छोटी सी, वरना सारा का सारा चैप्टर जो है ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है पहला वाला. और दूसरे में भी मेजॉरिटी थ्योरी, यानी कि दूसरा ऑलमोस्ट थ्योरी का चैप्टर. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम जनाब डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गई तो क्या डी रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा और डी रजिस्टर करने में इम्प्लीकेशन क्या होगी. कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन कब होगी? मसलन एक बिजनेस है, पहले वो जीरो रेटेड गुड्स बेचता था या स्टैंडर्ड बेचता था, सही है. अब उसने वो बेचना छोड़ दी और एग्जेम्प्ट सप्लाईज बेचना शुरू कर दी, तो वो कंपल्सरी डी रजिस्टर्ड हो जाएगा. उसको रजिस्ट्रेशन छोड़नी पड़ेगी और उसका जो वैट रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी. सेसेशन की डेट से. और उसे HMRC को नोटिफाई करना पड़ेगा विद इन 30 डे ऑफ सेसेशन. अच्छा, एक बिजनेस अगर चाहे तो वो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है. और वॉलेंटरी डी रजिस्ट्रेशन कब होगी? जब एक्सपेक्टेड टैक्सेबल सप्लाई आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेड टैक्सेबल सप्लाईज फॉर नेक्स्ट 12 मंथ विल नॉट एक्सीड 83,000 pound threshold. यानी कि आप चल रहे हैं ना, बिजनेस नॉर्मल चल रहा है और मार्च के महीने में आपको ऐसा लगता है कि अब अगले 12 महीने की थ्रेशोल्ड जो है आपकी जो है वो नहीं मीट होगा, तो आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें.
इसका क्लेम के लिए सेलर हैज टू सेटिस्फाई एचएमआरसी कि आपको कैसे पता है कि आपकी सेल्स बढ़ेगी नहीं. बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है. और वैट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी जिस डेट पर आपने रिक्वेस्ट प्लेस की होगी. कैंसिल्ड एट द रिक्वेस्ट डेट और या उससे आगे भी हो सकती है वो एचएमआरसी अगर चाहे तो. इंप्लीकेशन क्या होगी डीरजिस्ट्रेशन की? अगर एक बिजनेस डीरजिस्टर्ड हो जाता है तो उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? तो आपके पास जो भी नॉन करंट एसेट्स रखे हुए होंगे और आपके पास जो भी इन्वेंट्री रखी हुई होगी वो उसको समझते हैं जैसे ये बिक गई. नॉन करंट एसेट इन इन्वेंट्री. और उसके ऊपर वो कहते हैं कि आप वीएटी आउटपुट पे करें. आउटपुट वीएटी इज टू बी पेड. जिसके ऊपर इनपुट टैक्स इज क्लेम्ड. जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया था परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन इन्वेंट्री उसके ऊपर आप आउटपुट टैक्स पे करें. लेकिन आपको एक वेवर मिल जाएगा अगर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1000 या उससे कम हो तो फिर आपको कुछ नहीं देना. तो ये जर्नली जो ना वो पॉसिबल भी है कि ऐसा हो जाए. हो सकता है कि आपको कुछ भी पे ना करना पड़े. अच्छा जी नेक्स्ट इश्यू. प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स. एक बिजनेस जो है वो जिस डेट से भी रजिस्टर्ड हो रहा है मसलन अगर उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2020 तो वो 1 जनवरी 2020 से आउटपुट चार्ज करना शुरू करेगा और 1 जनवरी 2020 से उसने जो इनपुट टैक्स पे किया होगा उसका क्लेम वो लेगा. ऑब्वियस सी बात है. लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन वैट इनपुट में एक स्पेशल बेनिफिट है कि अगर उसने गुड्स खरीदे थे रजिस्ट्रेशन से पहले सही है बिजनेस पर्पस के लिए तो उसको पिछले 4 साल के अंदर जितने भी उसने गुड्स खरीदे थे अच्छा जी तो हम ये कह रहे थे कि 4 साल से पहले रजिस्ट्रेशन से अगर 4 साल पहले उसने कोई वीएटी पे किया था तो वो उसका भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है प्रोवाइडेड दैट गुड्स जो उसने खरीदे हों वो बिजनेस पर्पस के लिए हों जैसे इन्वेंट्री खरीद ली जाती है जल्दी सही है और एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स वो इन्वेंट्री में रखे हुए हों यानी कि बिके हुए ना हो. तो अगर आपने 6 महीने पहले कोई गुड्स खरीदे और वो स्टिल आपकी इन्वेंट्री में है और आपने बिजनेस के लिए खरीदे थे तो अल्टीमेटली आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स प्री रजिस्ट्रेशन में कैलकुलेट कर सकते हैं. जहां तक सर्विसेज की बात है अगर सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स दिया तो सर्विसेज का क्राइटेरिया क्या है कि बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस ली गई हो
नंबर वन, और नंबर टू 6 months prior to registration. 4 साल का क्राइटेरिया नहीं है. सर्विसेज में 6 महीने पुरानी सर्विसेज का इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं. अच्छा, गुड्स के अंदर आपकी सिर्फ इन्वेंट्री नहीं आती, इन्वेंट्री भी परचेज की भी होगी वो भी आ जाएगी, और अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा होगा बिजनेस के लिए तो वो नॉन करंट एसेट के ऊपर भी आपको प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट टैक्स का क्लेम मिल जाएगा. वीएटी ग्रुप, जो हमने कंपनीज में ग्रुप पढ़ा था, तो इस तरह वीएटी के लिए भी एक ग्रुप बनाया जाता है. सो वैट पर्पस के लिए ग्रुप जो बनाया जाता है उसके अंदर कंपनीज जो के कॉमन कंट्रोल के अंदर होती हैं और उनका बिजनेस यूके के अंदर हो, सही है, तो वो चाहे तो क्या कर सकती हैं, कॉमन कंट्रोल में हो और उनका बिजनेस यूके के अंदर हो, तो वो कंपनीज चाहे तो क्या कर सकती हैं, सिंगल कंपनी बन सकती हैं फॉर वीएटी पर्पस, अपने आप को एक सिंगल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकती हैं वैट पर्पस के लिए. और ग्रुप रजिस्ट्रेशन जो है, ये ग्रुप रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल फॉर ईच कंपनी. मसलन अगर एक ग्रुप के अंदर 10 कंपनीज हैं, 10 सब्सिडरीज हैं, और 2 सब्सिडरीज कहती हैं हम तो ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहते, नो प्रॉब्लम, बाकी 8 ग्रुप बना के पार्ट बन सकते हैं. इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी वैट ग्रुप बनाने की? वैसे तो हर पेरेंट अपने लिए वैट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन अगर वो बन जाता है वैट ग्रुप बन जाता है तो इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, जो इंटर कंपनी सेल्स होती हैं, नो वीएटी कॉन्सिक्वेंसेस. तो जिन बिजनेसेस के अंदर पेरेंट सब्सिडरी आपस में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर वीएटी ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवाने में फायदा है. और ये जो वैट ग्रुप होगा, ये वैट ग्रुप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना लेगा जो कि तमाम कंपनीज के सेल्स और परचेजेस का हिसाब किताब लगाकर कि कितना इनपुट बनता है और कितना आउटपुट बनता है वो कलेक्टिवली टैक्स देगा एक पूरा वैट ग्रुप के अंदर. सिंगल वैट रिटर्न फाइल किया जाएगा, हर कंपनी का अलग वैट रिटर्न फाइल नहीं किया जाएगा, सही है. लेकिन ऑल कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल. अब जब आप वैट ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे ना, तो आप ज्वाइंटली भी और सेपरेटली भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई नहीं देता तो टैक्स अथॉरिटी आपको भी लायबल बना सकती है, किसी भी ग्रुप कंपनी को लायबल बना सकती है. तो इसका फायदा क्या होगा, क्या हमें ग्रुप बनाना चाहिए? फायदा, नो वैट ऑन इंट्रा ग्रुप सेल्स, One VAT return is needed. So, saving administration cost.
एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नंबर वन, डिफिकल्टी इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव को सारी कंपनी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, सबके इनपुट अलग, सबके आउटपुट अलग, इट माइट बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, सही है, ज्वाइंट एंड सेपरेट लायबिलिटी। अगर आप ये ग्रुप नहीं बनाते तो हर कंपनी अपने वैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे तो जहां फायदे हैं वहां पर एक नुकसान ये है कि आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, इफ समवन इज नॉट पेइंग देन यू आर लायबल टू पे। नेक्स्ट इशू, द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको कहते हैं वैट की टर्मिनोलॉजी में टैक्स पॉइंट। देखिए वैट जो होता है ना, वैट वो नॉर्मली क्वार्टरली जमा होता है, उसका टाइम फ्रेम एनुअली नहीं होता, वो कब जमा होता है, क्वार्टरली जमा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च एक क्वार्टर है, तो जनवरी टू मार्च के अंदर जो सेल्स आ रही हैं वो किस क्वार्टर में फॉल होंगी, तो उसके लिए आपको सेल्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की सेल्स की डेट पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो सप्लाई है वो रेलेवेंट क्वार्टर में जाएगी और उसका टैक्स आपको रेलेवेंट क्वार्टर का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद देना पड़ेगा। सो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है बेसिक टैक्स पॉइंट और एक होता है एक्चुअल टैक्स पॉइंट। व्हाट इज बेसिक टैक्स पॉइंट? बीटीपी, बेसिक टैक्स पॉइंट। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? गुड्स के लिए जो बेसिक टैक्स पॉइंट है वो ये है, जब गुड्स कलेक्ट हो जाएं, डिलीवर्ड हो जाएं या मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर। ये नॉर्मली उसका टैक्स पॉइंट या डेट समझी जाएगी। जैसे ऑर्डर रिसीव हुआ एक अलग डेट के ऊपर, गुड्स डिस्पैच हुए एक अलग डेट के ऊपर, इनवॉइस एक अलग डेट के ऊपर बनी, तो अब हम ये कहेंगे कि यार इसका वैट का पॉइंट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर आया से सपोज 15 अगस्त को, आपने गुड्स भेजे 1 सितंबर को, आपने इनवाइस बनाकर भेजी 18 अगस्त को, कैश रिसीव हुआ 15 सितंबर को, तो आपका बेसिक टैक्स पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिक टैक्स पॉइंट इन सब में ये बेसिक टैक्स पॉइंट है। सितंबर तो देखेंगे कि किस क्वार्टर में फॉल हो रहा है और उस क्वार्टर में आप जो है वो सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे। और अगर हमारा बिजनेस सर्विसेज का है तो सर्विसेज के केस में डेट जो होगी व्हेन सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, जिस पीरियड में सर्विसेज परफॉर्म हो जाएंगी उस पीरियड के अंदर वो पीरियड हमारा, वो जो पॉइंट है वो हमारा बेसिक टैक्स पॉइंट समझा जाएगा। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपका जो बेसिक टैक्स पॉइंट है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं उसको एक्चुअल टैक्स पॉइंट के साथ, विच इज एटीपी। तो कब हम एटीपी लेंगे इंस्टेड ऑफ बीटीपी? तो पहला काम तो हम ये करेंगे, स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई बेसिक टैक्स पॉइंट हमेशा। फिर ये देखेंगे कि आपका जो बेसिक टैक्स पॉइंट है उससे या उससे पहले क्या कोई टैक्स इनवॉइस इशू हुई,
ऑन और बिफोर बीटीपी या फिर अ पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर दैट. इफ यस तो हमारा एक्चुअल टैक्स पॉइंट बन जाएगा पेमेंट डेट. जो पेमेंट डेट होगी वो हमारा टैक्स पॉइंट बन जाएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारी पेमेंट या इनवॉइस नहीं हुई, इसका आंसर आता है नो, तो हम अगले स्टेप में जाएंगे और स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये चेक करेंगे कि इनवॉइस जो है वो विद इन 14 डेज ऑफ बीटीपी में इशू हुई या नहीं. अगर आंसर आता है नो तो एटीपी इज इक्वल टू बीटीपी सेम रहेंगे, और अगर आता है यस तो एटीपी जो होगा वो इनवॉइस डेट बन जाएगी.